हमारे पंजाब के जो वज़ीर इत्तला'आत हैं फ़ैज़ल हसन चौहान साहब, उनकी एक स्टेटमेंट थी जो हिंदू मज़हब के पैरोकारों के मुतालिक थी, जो कि एक अफसोसनाक स्टेटमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको किसी सूरत भी इंडोर्स नहीं करती, बल्कि उसके साथ मुकम्मल लातअल्लुकी की तअल्लुकी का इजहार करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वजह से ज़ाती तौर पर रंजीदा हैं कि ये स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने दी, और वो दिली तौर पर उन्होंने अपने अफसोस रंजो गम का इस पर इजहार किया है। और हिंदू कम्युनिटी के जो लोग, जो हमारे अपने वतन के, जितना मैं पाकिस्तानी हूँ उतने ही वो पाकिस्तानी हैं, जितने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तानी हैं, उतना ही कोई हिंदू या ईसाई इस मुल्क का उतना ही पाकिस्तानी है और बराबर के हकूक रखता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और उनसे माजरत भी की है कि अगर हमारे जो वज़ीर साहब हैं उनके उनकी स्टेटमेंट से उनको जिस भी किस्म की कोई दिली दुख पहुंचा है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर इत्तला'आत जनाब फ़ैज़ल हसन चौहान साहब से मुलाकात की, जिस मुलाकात में उन्होंने अपना ये डिसप्लेजर फ़ैज़ल हसन चौहान साहब को पहुँचाया और उन्हें बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इमरान खान साहब की क़यादत में है वो किसी सूरत ऐसी किसी रवैये की या स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अकलियत, किसी मज़हब, रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी की दिलचस्पी की जा सके, किसी को तकलीफ़ दी जा सके। इस मुलाकात के बाद फ़ैज़ल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है।